अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एसएसटी जनरल कैटेगरी का पेपर 3 मई 2024 को लिया गया है। सवाल नंबर एक है, वियर इज़ हजर अस्वद सिचुएटेड? हजर अस्वद ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ काबा वाक़िया है, बी ऑप्शन ठीक है। और दूसरा सवाल इस तरह का है कि गजवा फाक बनी सलबा और बनी मुहारबा के दरमियान जो गजवा लड़ा गया था वह गजवा गतफान है, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर तीन है, पस तकबीर अल्लाह अकबर इंतरेर इज़ कॉल्ड तकबीर अल एहराम, ऑप्शन बी गलत है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर चार है, वेन गजवे बनु नज़ीर, गजवे बनु नज़ीर 625 को बमुताबिक 4 हिजरी लड़ी गई। सवाल नंबर पाँच है, इन विच ईयर हजर अस्वद वास स्टोलन, 930 की बात है, कुछ कुतब में 952 भी आया हुआ है, लेकिन सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर छः है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मदर? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालदा का नाम फातिमा बिनती ज़ायदा था। सवाल नंबर सात है, व्हाट इज़ द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ इन इस्लाम? द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इस्लाम इज़ कलमा शहादा, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हज़रत अब्दुल मुतल्लिब डाइड? हज़रत अब्दुल मुतल्लिब 578 को वफात पा गई थी, ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर नौ है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज़ द मदर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एक्सेप्ट? हज़रत इब्राहिम जो थी ये मारिया उपतिया की बेटी थी, तो पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर दस है, विच डेज आर कॉल्ड अयामी तशरीक? अयामी तशरीक 12 और 13 जिलहज को कहा जाता है, इसके अलावा 11 जिलहज, 11, 12, 13, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, ए एंड बी। सवाल नंबर 11 है, कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पर क्या लगेगा? द टीचर एक्यूज मी ऑफ प्लेजरिज्म बिकॉज माई एसे वॉज सो सिमिलर टू देट ऑफ एनदर स्टूडेंट, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 12 है, दिल्ली कन्वेंशन वॉज कॉल्ड बाई कैद आज़म, 1946 की बात है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 13 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड माडलिन, माडलिन के माने मदहोश के है, पहला ऑप्शन ठीक है, ओवरले इमोशनल। सवाल नंबर 14 है, बंगाल वॉज पार्टीशन इन 1905, बंगाल को तकसीम किया था लॉर्ड कर्जन ने, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 15 है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड बर्निश, बर्निश के माने चमकाने के है, फालिश, पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 16 है, ख्वाजा मईनुद्दीन चश्ती अजमेरी वाज बॉर्न इन, तो सवाल नंबर 16 का करेक्ट आंसर है, ख्वाजा मईनुद्दीन चश्ती 1 फरवरी 1143 को पैदा हुई थी, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 है, वो हेल्प द लोकल्स वेन बंगाल फेमाइन इन 1943 अकर्ड, लॉर्ड वेवल ने हेल्प की थी, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 है, द 20-ईयर परस्पेक्टिव प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाई पाकिस्तान इन 1965 से लेकर 1985 तक था, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 19 है, वो वाज़ द फाउंडर ऑफ द कॉलेज नोन एज मदरसा रहीमिया, तो इसी का आंसर था कि मदरसा रहीमिया के फाउंडर कौन थे, शाह अब्दुल रहीम, यहाँ पर शाह अब्दुल अजीज़ जो है, बी ऑप्शन ठीक है। शाह अब्दुल रहीम जो थे ये द फादर ऑफ शाह उल्ला थी, तो इसी क्वेश्चन में मिस्टेक किया गया है। सवाल नंबर 20 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ल्ड डेलेटेरस, डेलेटेरस जहरीला को कहा जाता है, इसका उलटवर्ड क्या बनेगा, ऑप्शन सी ठीक है, इनाकुस, इनाकुस के माने बेखतर की है। सवाल नंबर 21 है, चूज़ द करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो सवाल नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। सवाल नंबर 22 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज, यहाँ पर फ्रेज दिया गया है, आमना माइट स्क्रीम ब्लू मर्डर बट आई फील फातिमा शुड गेट द प्रोमोशन, यहाँ पर स्क्रीम ब्लू मर्डर इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी देखिए, मेक अ ग्रेट डील ऑफ नॉइस एंड ऑब्जेक्ट, तो डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 23 इसी तरह का है कि पाकिस्तान जॉइन यूनाइटेड नेशन, 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन की थी। सवाल नंबर 24 है, कैबिनेट मिशन 1946 वास कंसिस्ट ऑफ, तो व्यूअर याद रखिए कैबिनेट मिशन ये मुश्तमिल था 3 आदमियों पर, कैबिनेट मिशन मुश्तमिल था 3 आदमियों पर, 3 मेंबर्स, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 25 है, कायद आज़म कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन डिश, तो कायद आज़म ने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाया था 20 मार्च 1927 को, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 26 है, सिनोनिम ऑफ द वर्ल्ड एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज के माने कठिन या मुश्किल या पेचीदा की है, एब्स्ट्रूज का सेम मीनिंग वाला वर्ड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 27 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो यहाँ पर लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एफेमरल यानी चंद्रोजा, पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 28 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर जुमला दिया गया है, ही वाज किल्ड बाय स्ट्रेंगुलेशन, यहाँ पर बाय और बाय लगेगा, स्ट्रेंगुलेशन के माने फंदा लगाने के है,
तो ही वॉज किल्ड बाई स्ट्रेंगुलेशन और आखिर में भी बाई लगेगा, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 29, द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट वॉज सेट अप इन पाकिस्तान 2012, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 30, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ मुजद्दिद अलफसानी, शेख अहमद सरहिंदी नाम था। सवाल नंबर 31, कंप्लीट द सेंटेंस, स्क्रूज इन द फेमस नावल बाई डिकन वॉज अ डिश, जो मैनकाइंड से नफरत करता हो उसे क्या कहा जाता है, मिसेंट्रोप, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 32 है, 1973 के आइन में दफात जो है आर्टिकल 280 है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 33 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर लिखा है द एम्ब्लम्स आर इंसिग्निया ऑफ रॉयलिटी, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन डी है, रिगेलिया। सवाल नंबर 34, सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिंट, फिंट की मानी हीला बहाना या डिसेप्शन की है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन सी है, प्रेटेंडेंट एफर्ट। सवाल नंबर 35 है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाई पाकिस्तान इन 1950, कुछ कुतब में है 1950 से 1955 तक, तो बी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 36 है, क्रिप्स मिशन वॉज हेडेड बाई स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 37 है, एंटोनिम ऑफ द वर्ल्ड मारबेड, मारबेड की मानी बीमार सा के है, अनहेल्दी का सिनोनिम है चेयरफुल, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 38 है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर लिखा है द जुहेर सेड इट गेव मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस मॉर्निंग, बी ऑप्शन देखिए, द जुहेर सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट मॉर्निंग, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 39 है, अलामा डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल वाज इलेक्टेड मेम्बर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल इन, यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है, ये 1927 की बात है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन ठीक है। और हमारे पास सवाल नंबर 40 है, चूज़ द मीनिंग ऑफ द idiom phrase ही वेंट टू हिज फ्रेंड हाउस इन द इवनिंग एज वाज हिज वांट, इसका क्या मतलब है एज़ यूजुअल, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी गलत है। हमारे पास यहाँ पर उर्दू के सवालात जो है ये रीडेबल नहीं है। आखिरी दो सवालात ये देखिए, यादगार गालिब ये किसकी तसनीफ़ है, तो आप ये याद रखिए, यादगार गालिब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन की तसनीफ़ है, मौलाना हाली, बी ऑप्शन ठीक है। और इस हिस्ट्री जनरल कैटेगरी किसी ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 में लिखा है, हस्पानिया किस शायर की नज़म है, अलामा मोहम्मद इकबाल की, तो व्यूअर्स ये रहा इस हिस्ट्री का मुकम्मल पेपर। आप दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।